दो गाथाओं में मन के स्वरूप का वर्णन है, मन के महत्व को बताया गया है कि मन सारे कर्मों के पूर्वगामी है, श्रेष्ठ भी है। यदि कोई गलत भाव से, अशुद्ध मन से बोलता और करता है, उसका परिणाम दुखद होता है। लेकिन यदि कोई शुद्ध मन से, पवित्र मन से कोई बोलता और करता है, परिणाम सुखद होता है। इसके पश्चात आगे की गाथाओं में जो चार गाथाएं हैं, 3, 4, 5, 6, इन मनोविकारों को बताया गया है कि किस प्रकार मन में विकार रख करके नुकसान होता है। वैर, द्वेष, नफरत, घृणा, शत्रुता का भाव, ये नुकसानदायक होते हैं। आगे की गाथाओं में तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये मनोविकार बनते कैसे हैं और फिर इनसे हम कैसे छुटकारा पाएं, इन बातों को भी बताते हैं। शुभानुपस्सिम विहिरंतम इंद्रियेषु असंभूतम भोजन्मि अमत्तुयम् कुसीतम हीनवीर्यम् तम वे पसहति मारो वातो रुखम व दुर्बलम्। शुभानुपस्सिम विहिरंतम, शुभ देखते हुए घूमना, शुभा अनुपश्यम, यहाँ शुभ का अर्थ पुण्य नहीं है अपितु सुख, लाभ, रमणीयता, विषय रस आदि हैं। अनुपश्यम, अनुपश्यंतम, बार बार देखता है, बार बार देखता हुआ। वीरंतम, विहरना, घूमना, जीवन यापन करना, व्यवहार करना। इंद्रियेषु, इंद्रियों का असंवतम, असंयम करना। भोजन में अमत्तुयम, भोजन में मात्रा न जानना। कुसीतम, आलसी होना। और हीन वीर्यम, बलहीन होना, मनोबल न होना, अर्थ है उत्साही तथा उद्यमशील न होना। तम, उन्हें, वह निश्चित ही पसहति, रौंदता है। कौन रौंदता है? मारो, मनोविकार, वातो, वायु। कैसे रौंदता है? वातो रुखम व दुर्बलम, आंधी, रुखम, रुख वृक्ष, वृक्षम इव दुर्बलम, दुर्बल वृक्ष को आंधी जिस प्रकार रौंद देता है, ऐसे ही ये मनोविकार जो असह्यत लोग हैं ऐसे को रौंद देता है। इस गाथा में महाअनुशासता तथागत कहते हैं कि मनोविकार का पहला कारण है सर्वत्र शुभ देखते हुए घूमना। ये जो बातें बताई गई हैं, जितनी बातें बताई गई हैं, यदि बहुत थोड़े में कहें तो क्या है? सही जीवन शैली। थोड़े में कह दें तो क्या है? सही जीवन शैली। कहीं भी किसी ने श्रेष्ठता पाई है पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में किसी ने भी वास्तविक श्रेष्ठता जो हासिल की है उसे सही जीवन शैली से अलग नहीं कर सकते।
उनका जीवन शैली बिल्कुल सही रहा, तभी उस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। कोई उबड़ खाबड़ जीवन जिए, असह्यत जीवन जिए, वो श्रेष्ठता को हासिल नहीं कर सकता है। अब केवल साधना की बात नहीं है ये, किसी भी क्षेत्र में। गुरुदेव जी कहा करते थे अकबर के लिए कि भोजन में बहुत संयमी थे, वो बहुत संयमी थे। मैं समझता हूं ये जितने चोटी के लोग हैं ना, ये संयम ही करते होंगे, संयम करते होंगे। सही जीवन शैली कोई भी अपनाएगा उसका परिणाम सुखद आएगा, इसी का वर्णन तथागत बुद्ध करते हैं। और पहली बात कहते हैं मनोविकारों का पहला कारण शुभानु पश्चिम विहिरंतम, सर्वत्र शुभ देखते हुए घूमना। शुभ देखते हुए घूमना, तो क्या अशुभ देखते हुए घूमे? यहां का भाव है आकर्षित होकर के, लालायित नेत्रों से देखना, आकर्षित होकर के सुख लाभ जान करके समझ करके विषयों में चिपकते रहने वाले की मनोमालिन्यता बढ़ती है। जो भी संसार में रमणी माना जाता है क्या है? नश्वर है। मोह में फंसकर मनुष्य का मन आशा तृष्णा भय इच्छा चिंता आदि में उलझकर दुखी होता है। जहाँ शुभ दृष्टि सुख दृष्टि, यही तो घोर अविद्या है। अविद्या के बारे में जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, यही तो कहा है जो नश्वर है उसे शाश्वत मानना, जो दुख है उसे सुख मानना। इसी प्रकार से जब हमारा भ्रम होता है, इस चीज को मैं इस ढंग से कहूं, संसार सुख रूप है कि दुख रूप है? संसार सुख रूप है कि दुख रूप है? हम सभी तो अनेकों बार पढ़ चुके हैं ये अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम। संसार कैसा है? दुख का घर है और अशाश्वत है, नश्वर है, अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं? बहुत दुख 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 की खानी, दुख का ही घर है, खदान है यह। लेकिन जिस संसार की बात कही गई है वो स्थूल दिखाई देने वाले संसार नहीं है, वो दुख रूप नहीं है। जिन्हें हम संसार कहते हैं वह क्या है? ये सूर्य चांद तारेगण पृथ्वी वनस्पति जगत प्राणी जगत, क्या ये दुख रूप है? या फिर ये हमारे जीवन के लिए सहयोगी हैं? क्या सूर्य का होना दुख का रूप है? तारेगण का होना, हवा का होना, मिट्टी जमीन का होना, आकाश का होना, वनस्पति का होना हमारे जीवन के लिए सहयोगी हैं, तो क्या ये सुखरूप है? सुखरूप भी नहीं है, तटस्थ है, वो हैं बस। आप किसी भी चीज को किस रूप से देखते हैं परिणाम उसी रूप में आता है। उसका संबंध आप किस रूप में बनाते हैं? एक ही चीज को जो भिन्न भिन्न ढंग से देखते हैं ना, प्रभाव इसी से पड़ता है। ये बहुत बार हम लोगों ने गुरुदेव जी से सुना है कि एक युवती है, जब उनके उनकी गोद में जो बच्चा है वह जब देखता है तो क्या किस रूप में देखता है? श्रद्धेया माँ के रूप में देखता है। लेकिन जब
उसका पति देखता है तो माँ के रूप में नहीं देखता है, वह देखता है जीवन साथी के रूप में देखता है। लेकिन जब उनका पिता देखता है तब न तो माँ के रूप में देखता है न जीवन साथी के रूप में देखता है, प्रिय पुत्री के रूप में एक स्नेह भाव, एक वात्सल्य का भाव। संत देखेगा बिल्कुल अलग, लेकिन कोई कभी सिंह देख लिया तो सिंह वो किस रूप में देखेगा? आहार के रूप में देखेगा। संसार को हम किस रूप में देख रहे हैं? केवल जीवन निर्वाहिक, बिल्कुल अलग है। भोजन की ही बात है, यहाँ भोजन की भी चर्चा आई है। एक होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से जीवन निर्वाह के लिए, और दूसरा है स्वाद की दृष्टि से। एक अच्छा स्वाद लेने के भाव से खाओ, तब ध्यान नहीं रख पाएंगे कि यह नुकसान भी करता है। उन चीज़ों को ज़्यादा हम खा लेंगे जो उस समय बढ़िया लग रहा है, कोई मिठाई बनी है ज़्यादा ग्रहण कर लेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे कि इससे नुकसान होने वाला है। मन में क्या, मन क्या मानेगा? कभी कभी तो मिलता है, कभी कभी तो मिलता है, ज़्यादा ले लो, मात्रा से ज़्यादा ले लो। और चीज़ें तो रोज़ मिलती है, बाद में खा लेंगे। स्वास्थ्य में क्या होगा, कौन अच्छा है, कौन मेरे लिए लाभप्रद है, ये देखना। भोजन वही है, आप उसको किस रूप में देख रहे हैं, लोग उसी रूप में, आप किस रूप में देख रहे हैं। ये पूरा संसार तटस्थ है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको आकर्षित होकर के विषय भोग पा करके सुखी होने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, या फिर जीवन निर्वाह इससे लेकर के साधना के रूप में प्रयोग करते हैं। अंतर है दोनों में। यहां तथागत बुद्ध कहते हैं कि सर्वत्र सुख देखते हुए घूमना, मतलब भोग भाव, एक भोग की दृष्टि, इसको मैं भोगूंगा, मतलब इसको मैं ग्रहण करूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रम है, ये तो अविद्या है, आपको सुख नहीं दे सकता है। चाहे वो धन हो, चाहे वह पद हो, चाहे वो कोई प्रतिष्ठा हो, कुछ भी, संसार का कुछ भी ऐसी चीज हम पा जाएं जो हमें स्थायी सुख दे, संभव ही नहीं। क्यों? जो चीज है ही नहीं, वो चीज देगी, मिलेगी कहां से हमको? पूरे संसार की यदि हम व्याख्या करें तो थोड़े में क्या है, संक्षिप्त रूप क्या है, मिट्टी पानी आग हवा, बस ये चार ही तत्व हैं। चाहे ये विस्तृत जगत दिखता हो, चाहे हमारा शरीर दिखता हो, इन चारों तत्वों से भिन्न कुछ भी नहीं है। पांचों विषय पंच तत्वों से निर्माण, और विषय कह रहे हैं ना, विषय सुख, विषय भोगों में शुभ दृष्टि, विषय का मतलब ही है पदार्थ। पांचों विषय पंच तत्वों से निर्माण, ये पांचों विषय पांच तत्वों से, कहने का मतलब चार तत्वों से। तो चार तत्वों में अलग अलग देख लें, क्या मिट्टी में सुख देने की क्षमता है, पानी में सुख देने की क्षमता है, हवा में सुख देने की क्षमता है, आग में सुख देने की क्षमता है, दुख देने की भी क्षमता नहीं है, सुख देने की भी क्षमता नहीं है, दोनों नहीं है, वो बिल्कुल तटस्थ है। तो क्या उनके संयोग से क्या हमको सुख मिलेगा? जैसे हम लोग निरूपित करते हैं कि इनमें ज्ञान नहीं है, तो क्या सब ये चारों तत्व मिल जाने पर ज्ञान आ जाएगा, चेतना के गुण आ जाएंगे? नहीं आ सकते हैं। जब चेतना के गुण नहीं आ सकते तो सुख भी नहीं मिलेगा, दुख भी नहीं मिलेगा, क्या होगा? आप उसको किस रूप में, आग की ही बात ले लो, ठंडी के मौसम में आग प्रियकर है, लेकिन गर्मी में बहुत आप नजदीक से उसका सेवन नहीं कर सकते हैं, आप पर निर्भर करेगा वो कितनी उसकी मात्रा ग्रहण करनी है। इसलिए इस संसार को जो देखने का हमारा भाव है ना,
इसको कहते हैं पैराडाइम्स, प्रतिमान या दृष्टिकोण भी कहते हैं। लेकिन दृष्टिकोण मतलब इंद्रियों से केवल ग्रहण करना ही नहीं है, महसूस करना, उसके बारे में मन में विश्लेषण करना, किसी चीज को विश्लेषित करना कि वो क्या है, और उसके आधार पर जो हम ग्रहण करते हैं वह हमें प्रभावित करता है। सबसे पहली बात यहां तथागत बुद्ध कहते हैं, जहां सुख नहीं है उन विषयों में सुख मान करके जो ग्रहण कर रहे हो, भोग रहे हो, शुभ दृष्टि से जो आप उसके प्रति आकर्षित हो रहे हो, ये मनोविकार का पहला कारण है। दूसरा कारण क्या बताते हैं, इंद्रियों का असंयम होना, और ये जुड़ा हुआ है। जब आप उस भाव से देखेंगे तो इंद्रियों का चंचल होना स्वाभाविक सी बात है। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, मन में ही चंचलता बन गई, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, तो इंद्रियां तो चंचल होंगी। तथागत बुद्ध कहते हैं दूसरा कारण क्या है मनोविकार का, इंद्रियों का असंयम होना, इंद्रियेषु असंभूतम्। जब विषय भोग आकर्षक लगेंगे तब इंद्रियां चंचल होगी, ये तो कारणकारी की व्यवस्था है। जो व्यक्ति इंद्रियों पर संयम रखना चाहे वह विषय भोगों को विष रूप समझे, जैसे कि वे है भी, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला आत्म शांति पा सकता है। लेकिन विषय भोगों में उलझा हुआ साधक विवेक दृष्टि से जो तुच्छ दिखने लगेंगे, तब ये जो विषय भोग हैं, जिसको सदगुरु श्री पूरन साहेब जी ने क्या कहा, दोष दृष्टि जब ही भई। एक तरफ तो कहें कि दोष मत देखो, यहां पर क्या करें, दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग, भोगों के प्रति दोष दृष्टि। अब जहां सदगुरु गुरुदेव जी ने भी बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम ही जानी, व्याख्या पढ़ते समय आप पाएंगे ये संसार को सीधे रूप में दुख नहीं लिखा है उन्होंने, मोह को दुख कहा है, अविद्या को दुख कहा है, अज्ञानता को दुख कहा है, और मोह मन का आकर्षण। इसलिए इंद्रियां विचलित होती हैं जब वह लगे नहीं, ये केवल जीवन निर्वाह के लिए है बस, और उन भोगों को दुख रूप समझेंगे तो फिर चंचलता खत्म होगी। तीसरी बात क्या कहते हैं, भोजन की मात्रा न जानना, भोजन में अमत्तुयम, भोजन में मात्रा न जानना। भोजन रोज करना पड़ता है, कहीं कहीं ये बात आती है कि जीवन मुक्ति भोजन, जीवन मुक्त भोजन नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। जीवन मुक्त को भी भोजन करना होता है। घर गृहस्थी, गुरुदेव जी लिखते हैं घर गृहस्थी का छोड़ना तो सरल है, एक झटके में हो जाता है, रोज रोज भोजन करना है, उसमें संयम बनाए रखना यह कठिन है, यह कठिन है। किसी वस्तु विशेष में आप आकर्षित हो रहे हैं कि इससे बहुत सुंदर होने, गुरुदेव जी यहाँ क्या लिखते हैं, घी दूध दही मेवे फल कीमती चावल आदि में मन बांधने वाला क्या साधना कर सकता है, मिर्च मसाले से बचना चाहिए, नमक बहुत कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मिष्ठान बहुत कम खाना चाहिए, कबीर साहब की भाषा में असली भोजन अन्नय पानी योग। अब ये तो विनोद का विषय हो गया है, अन्नय पानी योग, गुरुदेव जी न जाने कितनी बार इसी मन से कहा करते थे, चावल को पानी से पका देते हैं, आटा में पानी मिला देते हैं, दाल में पानी मिला देते हैं, ये सारी चीज़ें पक जाती हैं, सब्जी में भी पानी मिला के पकाते हैं, लेकिन पानी मिला करके न पकाओ, केवल तेल हो और मसाला हो, वहाँ नुकसान शुरू हो जाएगा। अधिक चीज़ें जो खाएंगे उनमें नुकसान करने वाली चीज़ें हैं। यहाँ गुरुदेव जी लिखते हैं भोजन वही ठीक जो स्वच्छ हो, सात्विक हो और सुपाच्य हो, और कब, जब कड़ी भूख लगने पर संतुलित मात्रा में लिया जाए,
और थोड़ा से कम भूख से भी। गुरुदेव जी यहाँ लिखते हैं, ठूस कर खाने वाला पेटू आदमी शरीर से सुखी नहीं रह जाएगा, साधना क्या कर पाएगा। और ये गलती न रोज सही तो कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। भोजन में मात्रा का ज्ञान न होना, ये मनोविकार का तीसरा कारण। चौथी बात क्या है? कुशीत होना, कुशीतम, आलसी होना। पाली भाषा में कुशीत का अर्थ है आलसी, संस्कृत में कुशीत का अर्थ है ब्याज, ब्याज खाने वाले को कहा जाता है। परंतु धम्म पदम में, धम्म पदम पाली भाषा से है, इसलिए यहां का अर्थ है आलसी। आलसी आदमी, आलसी साधक आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता है, भौतिक उन्नति नहीं कर सकता है, आध्यात्मिक उन्नति की तो बात ही दूर है। स्फूर्त होना पड़ेगा, किसी दिशा की उन्नति के लिए आलस रहित तथा उद्यमशील होना चाहिए। पांचवी बात तथागत बुद्ध कहते हीन वीर्यम, हीन वीर्य शक्तिहीन, यहां पर है मनोबल न होना, उत्साही न होना। जो सेवा स्वाध्याय और साधना से मन चुराएगा वह परमार्थ की क्या कमाई करेगा। ये पांच दुर्गुणों में उलझा मनुष्य मार्ग के द्वारा मारा जाता है। क्या कहते हैं? मारो वातो रुखम व दुर्वलम। मार, ये बौद्ध ग्रंथ में बात आती है मार। गुरुदेव जी लिखते हैं अकुशल वृत्तियों की साकार मूर्ति, बहुत थोड़े में समझे तो मनोविकार। लखनऊ के एक बौद्ध मंदिर में गए थे तो बहुत से ऐसे से चित्र सब दिखे, बुद्ध के चित्र के आजू बाजू में आप देखे होंगे कहीं कहीं, स्त्रियों का क्या क्या, बहुत सारी चित्र हैं। और भी मैं सोचा, गुरुदेव जी थे और बहुत से सब संत थे, साहेब जी भी थे वर्तमान के साहेब जी, मैंने सोचा वो बुद्ध के आसपास में क्या बनाए हुए हैं। तो साहेब जी तो बोल ही नहीं पाए, साहेब जी बोल दिए कि वो मार है ना, मार। मैं कहा मार का क्या मतलब? तब ये ग्रंथ नहीं लिखा गया था यमक बग, ये धम्म पदम। फिर बताए कि वो ध्यान के समय वो सब जब आते हैं ना, ध्यान के समय वो सब मनोविकार हैं, वो चित्रित किया गया, दर्शाया गया है। अब ये जब पुस्तक पढ़ने लगा, गुरुदेव जी से सुना, तो बातें समझ में आई। मनोविकार कैसे, मनोविकार नुकसान करता है, जैसे दुर्बल वृक्ष को आंधी रौंद देती है, वैसे उपर्युक्त पांचों दोषों में फंसे मनुष्य को उसके अपने ही मनोविकार, गुरुदेव जी लिखते हैं, दृढ़ देते हैं। दृढ़ देना, रगड़ देना, पीस देना, ये अद्भुत बात है। ये जब तक विकार रहेंगे साधना में प्रगति नहीं हो सकती। और ठीक उल्टा, इसी का ठीक उल्टा है, अशुभानुपस्सिम विहिरंतम इंद्रियेषु असंवितम भोजन मिचा अमत्तुयम सद्धम आरद्ध वीर्यम तम वे नपसहति मारो वातो शैलम व पपतम। इस पर कल चर्चा कर लेंगे साहेब बंदगी।